नमस्कार दोस्तों, एक ज़बरदस्त वैकेंसी निकल के सामने आई है और यहाँ पे उम्मीद है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जरूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। और ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप केवल 12 क्लास पास हैं, सच बता रहा हूँ, अगर आप 12वीं कक्षा पास हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वाली अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। बशर्ते आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, सही से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। अगर कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर दिक्कत हो जाए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बिना देर के वे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023, जो कि आपको पता है कि लगभग यहाँ पे 22,000 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई एक अच्छी गाइड लेनी चाहिए। तो वही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि चक्षु प्रकाशन, जो कि बिहार सिपाही भर्ती के लिए बेस्ट पुस्तक यहाँ पर लॉन्च कर दिया है इसने, जो कि 100% सिलेबस पर आधारित है। इसको जरूर परचेज करिए, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी नज़दीकी दुकान पर जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि किताब अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गाइड में थोड़ा बहुत सॉल्व पेपर मिल ही जाएगा, लेकिन अगर वही बात मैं फ्रेंड्स करूँ कि अगर आप और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस गाइड को पढ़ने के बाद, तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेट्स भी यहाँ पर दिख रहा है। तो बिना देर किए हुए अभी अगर आप चाहते हैं 22,000 सिपाही भर्ती में एक आपका भी नाम आ जाए और आप सफलता को प्राप्त कर जाएँ, आपके ऊपर आप वर्दी को पा लें बिहार सरकार के, तो जरूर इस किताब को अभी परचेज कर लीजिए ताकि आप सफल हो जाए। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी जो निकल के आई है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS, यानी कि एक भारत सरकार की एक सरकारी स्कूल के तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है। क्योंकि इसलिए सरकारी बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आता है कि क्या ये एक प्राइवेट जॉब है, क्या हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद, या फिर ये एक परमानेंट जॉब है जिसमें हमें भविष्य में एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, एक स्टेबल लाइफ मिलेगी, एक अच्छी ज़िंदगी मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये उसी प्रकार की जॉब है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत ही अच्छी खासी है, पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे सीटों की संख्या 4,062 सीटें टोटल यहाँ पे निकल के सामने आई हैं। अभी तो आप बोल रहे होंगे कि अरे यहाँ पे तो स्कूल है, यहाँ पे पढ़ाने वाला ही टीचर का ही पोस्ट कुछ निकला होगा, तो ऐसा नहीं है, लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं आपको सबसे पहले आप पोस्ट ही काउंट करवा देता हूँ कि कौन से पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो है प्रिंसिपल का पोस्ट है, यानी कि प्रधानाध्यापक का। यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या 303 है, एज लिमिट 50 रखा गया है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी बात करें तो अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो आपको 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और BEd भी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल वाले जो भी होंगे ऑलरेडी टीचर होंगे ही, तभी वो समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, तो उनको खासकर समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जैसा कि नाम से ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और साथ में फ्रेंड्स आपको BEd होना चाहिए, और आपकी जो एज लिमिट है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और साथ में आपको BEd होना पड़ेगा। ठीक है, 2,266 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। आगे मैं इसमें आपको वो बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट्स की निकाली गई है, ताकि आप लोग यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर पाएँ। चलिए मैं आगे नेक्स्ट बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे अकाउंटेंट का पोस्ट है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं जो BCom कर चुके हैं और लगातार वैकेंसी के इंतज़ार में रहते हैं, तो इस मौके को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। 361 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है अकाउंटेंट की। 30 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है, और एज लिमिट जब भी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप OBC को 3 साल का अलग से छूट दे सकते हैं, SC ST को 5 साल का अलग से छूट दे सकते हैं, डिसेबल कैंडिडेट को अलग से 10 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अकाउंटेंट के लिए 361 पोस्ट मांगा गया है और BCom मांगा गया है। अगर आप बैचलर इन कॉमर्स हैं या डिग्री है आपके पास कॉमर्स की, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट, जिसका ज़्यादा कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पहले तो 12 क्लास पास करते हैं ना, बाद में ग्रेजुएट होते हैं। तो जो लोग भी 12 क्लास पास हैं, दिल छोटा मत करिए, आपके लिए ज़बरदस्त लगातार ये वैकेंसी निकलती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, और अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो जल्दी ही आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, क्योंकि लगातार हमारे चैनल पर आपको अपडेट मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है, 759 टोटल 759 यहाँ पर सीटें हैं, और केवल यहाँ पे आपको 10+2 मांगा गया है, यानी कि अगर आप इंटर पास हैं और आपके पास टाइपिंग की नॉलेज है 35 वर्ड पर मिनट
इंग्लिश के अंदर या फिर हिंदी के अंदर आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। दोनों में से किसी भी प्रकार की टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप आंख मूंद करके इसको अप्लाई करिएगा। आगे मैं आपको सैलरी और बेनिफिट्स भी बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे लैब अटेंडेंट की बात करें तो 373 टोटल सीटों की वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे भी 30 ईयर्स रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी के लिए अलग से छूट आपको मिल जाएगा, एससीएसटी के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 10+2 अगर आप पास हैं साइंस सब्जेक्ट से तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। अगर आप 10th क्लास पास हैं और आपने डीएमएलटी का कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक का, तब भी आप एलिजिबल हैं। कुछ लोग डिप्लोमा होल्डर्स होंगे पॉलिटेक्निक वाले, वो सोच रहे होंगे कि क्या हमारा यहाँ पे 10+2 इक्विवेलेंट है हमारे पॉलिटेक्निक के, तो बिल्कुल है, आप लोग भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको एक बार सीट का ब्यौरा यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बात करें फ्रेंड्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, आप देख सकते हैं बारी बारी से। आप जिस सब्जेक्ट से भी पोस्ट ग्रेजुएट होंगे आप अपने अनुसार यहाँ पे टीचर वाला देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स लैंग्वेज में भी है यहाँ पे मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली लैंग्वेज। यहाँ पे आपको 6 लैंग्वेज के लिए भी अलग से यहाँ पे निकला हुआ है। नॉन टीचिंग पोस्ट में आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा इसका डेट वगैरह बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स डेट की बात करें तो यहाँ पे जो इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 29 जून से और 31 जुलाई तक आप लोग इसको आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। 29 जून से 31 जुलाई तक। अभी इसका एग्जामिनेशन का डेट नहीं आया, जैसे ही आएगा आपको हमारे चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें हम लोग टेलीग्राम पे डालते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करना मस्ट है आप लोगों के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, सॉरी नेक्स्ट जो आपको बताने वाले हैं वो एप्लीकेशन फ़ी है। प्रिंसिपल की बात करें तो 2000 रुपये लगेंगे अगर आप जनरल OBS, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो। SC ST या डिजेबल कैंडिडेट हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा किसी भी पोस्ट के लिए, ध्यान दीजिएगा। SC ST और डिजेबल कैंडिडेट हैं यानी कि दिव्यांग हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा। वहीं बात करें फ्रेंड्स आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1500 रुपये है जनरल OBC और EWS के लिए। वहीं फ्रेंड्स नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और आपको जो लैब असिस्टेंट का पोस्ट है उसके लिए केवल 1000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो। वहीं SC ST या डिजेबल कैंडिडेट हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं इसका जो सैलरी पैटर्न है वो कितना है और एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम कहाँ पे आपका होगा, आपके अपने राज्य में होगा। हर एक राज्य में इसका सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर बना हुआ है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा कि बाहर जाना पड़ेगा, बहुत दूर एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने शहर में एक जो मेजर सिटी होती है वहाँ पर आपको अवेलेबल है इसका एग्ज़ाम सेंटर, तो ईजिली आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर के जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से भी जा सकते हैं और PDF वगैरह में भी लिंक अवेलेबल है, तो हमारे टेलीग्राम में PDF डाला हुआ मिल जाएगा और छोटी बड़ी सारी जॉब इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे डालते रहते हैं, ठीक है, तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल का जो सैलरी है लेवल 12 का है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं लेवल 12 की सैलरी होती है प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे उनका 78,000 से लेके आपका 78,800 से 209,200 तक सैलरी चली जाएगी। और 12 लेवल बहुत अच्छा लेवल होता है, तो खैर जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए इतना बनता भी है। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो यहाँ पे लेवल 8 का पेमेंट है, बेहतरीन पेमेंट है, ठीक है। 47,600 से 151,100 ऑलमोस्ट, बात करें स्टार्टिंग सैलरी इनकी PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो भी हैं 70,000 के आसपास से स्टार्टिंग इनको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। अकाउंटेंट की बात करें तो लेवल 6 का है यहाँ पे 35,400 से 112,400, तो लगभग आपको यहाँ पे 50,000 से 55,000 के आसपास स्टार्टिंग की ही सैलरी आपकी बनेगी अकाउंटेंट वालों की। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लेवल है अकाउंटेंट का भी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो भले ही लेवल 2 का पोस्ट है लेकिन पोस्ट बहुत ही शानदार है, कनिया सचिवालय सहायक का 19,200 से 63,200 तक का आप लोग का यहाँ पे स्केल है लेवल 2 का, यानी कि स्टार्टिंग आप लोग के 30-35,000 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और लैब अटेंडेंट की बात करें तो 18,000 से 56,900 तक का यहाँ पे आपका पे लेवल है, जिसमें आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो ऑलमोस्ट 25-26,000 के आसपास स्टार्टिंग में आपको मिलने लगेगी, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका दोनों पैटर्न में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। सिलेबस आपको यहाँ पे PDF में स्पष्ट दिया हुआ है पोस्ट वाइज, प्रिंसिपल का अलग है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का अलग है, अकाउंटेंट का अलग है। तो अकाउंटेंट का देखिए यहाँ पे बताया गया है कि Part 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे 4 पार्ट में आपका टोटल क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपका जो पहला पार्ट है रीजनिंग, दूसरा मैथ है, तीसरा आपका लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और चौथा आपको कंप्यूटर नॉलेज और जनरल करेंट अफेयर्स का है, ठीक है।
और पांचवा पार्ट भी है इसमें, जिसमें आपको अकाउंटेंसी का जो नॉलेज है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा 130 नंबर का। ठीक उसी प्रकार आपको जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का आप देख लीजिए, रीजनिंग का है, मैथ्स का है, जनरल अवेयरनेस का है, लैंग्वेज का है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का है, ठीक है, टोटल 130 नंबर का। और लैब अटेंडेंट की बात करें तो रीजनिंग का हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया, लैंग्वेज का हो गया, हिंदी इंग्लिश, और आपका स्पेसिफिक नॉलेज किस सब्जेक्ट के लिए आप वहाँ पर लैब अटेंडेंट बनने जा रहे हैं उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे प्रत्येक नेगेटिव, यानी गलत क्वेश्चन आप करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे, ठीक है। इसको डिटेल में समझने के लिए फ्रेंड्स आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप अपने आंखों से देखें और अच्छे से इसको समझ पाएं, क्योंकि वैकेंसी जेन्युइन होती है। हमारे चैनल पर जो भी वैकेंसी हम लोग बताएंगे वो जेन्युइन होगी, आपको उसको समझना है, अपने स्तर से भी देखना है। हम लोग बता रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन खुद भी, क्योंकि आपको जॉब लेनी है ना फाइनली, हमें तो नहीं लेनी ना, तो आपको इतना करना पड़ेगा कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हो कल से, आज से, जब से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो सभी को आप स्टोर कर लिया करो, अपने फ़ोन में ही कर लो कहीं पे, या फिर प्रिंट आउट निकाल के अपने फाइल में रख सकते हैं ताकि याद रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप बाद में एडमिट कार्ड खोजोगे, मिलेगा नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रोल नंबर ही नहीं पता है आपको, तो ऐसी गलतियाँ प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त करें। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली जॉब अपडेट्स के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।